वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलस्ता सिद्दीकी ऑप्टोमेट्रिस्ट। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आई सेफ्टी एंड आई प्रोटेक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक आपको बताया था, आँखों में चोट लग जाने पर हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आँखों पे चोट ना लगे उस चीज़ के लिए हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमें अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो मैं वही आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अपनी आई प्रोटेक्शन कैसे रखनी चाहिए और कैसे हमें अपनी आई सेफ्टी रखनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कोई भी कमेंट करके आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, आईज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसकी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें अपनी आईज की काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन रखनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी रखनी चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट आता है गॉगल्स। जैसे कि आप जानते हैं गॉगल्स जो फैशनेबल के लिए लोग ज़्यादातर लगाते हैं, लेकिन गॉगल्स अगर आप बाहर लगा कर निकलेंगे तो जैसे कि धूल मिट्टी हो गई है, आप स्कूटी पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, वहाँ पे एयर पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी आईज़ में लग जाते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान पहुँचता है आईज़ को। अगर आप गॉगल्स लगाकर निकलेंगे तो आपकी आईज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट रहेंगी, कोई भी पार्टिकल आकर एकदम आपकी आँख में नहीं लगेगा। सो गाइस, सेकेंड आता है वेल्डिंग हेलमेट्स एंड फेस शील्ड, जो आपके आईज़ के साथ साथ आपके पूरे फेस को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका कोई भी वर्क रहता है, आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है लाइक फैक्ट्रीज, मैकेनिकल फैक्ट्रीज हो गई हैं एंड अदर फैक्ट्रीज लाइक जिसमें ऐसा काम होता है जो आपकी आईज़ को हार्म कर सकता है या फेस को हार्म कर सकता है, तो उस कंडीशन में आप ट्राई करें कि फेस शील्ड का यूज़ करें या वेल्डिंग हेलमेट्स का यूज़ करें। वेल्डिंग, जैसे वेल्डिंग की करते हैं उसके जो स्पार्कल्स आते हैं वो आपके आईज़ के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं, उसके पार्टिकल्स आपकी आँख में चुभ सकते हैं। धुआं हो गया, कोई भी धुआं आता है फैक्ट्री में तो वो आपकी आईज़ को हार्म कर सकता है। तो आप कोई भी केमिकल भी आपके आईज़ के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, तो उस कंडीशन में अगर आप फेस शील्ड एंड वेल्डिंग हेलमेट्स का यूज़ करेंगे तो आपकी आईज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट रहेगी और साथ ही साथ आपका फेस भी उस चीज़ से प्रोटेक्ट रहेगा। केमिकल्स आपकी आईज़ और फेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। सो आप इन सब का प्रोटेक्शन का ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी सेफ रह सकते हैं। एंड थर्ड आता है सेफ्टी ग्लासेस। लाइक सेफ्टी ग्लासेस हमारी आईज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, वो हमारी पूरे आई के और सॉकेट बॉल के एरिया को कवर कर देते हैं। जैसे कि अगर हम साइकिलिंग करते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग पूल में जो हमारा होता है सॉल्ट और क्लोरीन होता है जो हमारी आईज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकते हैं, हमारी आईज़ को हार्म कर सकता है, तो उस कंडीशन में अगर आप स्विमिंग ग्लासेस लगाकर गॉगल्स लगाकर स्विमिंग करेंगे तो वो आपकी आईज़ को प्रोटेक्ट करेगा। वर्क है कि वुड वर्किंग है, कोई भी लकड़ी काटना या फिर कोई भी वर्क करते हैं, ठोकना ठाकते करना, तो उस कंडीशन में अगर आप ग्लासेस लगाकर रखेंगे तो आपकी आईज़ काफ़ी सेफ रह सकती हैं, क्योंकि वुड वर्किंग में क्या होता है, अगर आप कुछ भी उस पर मारते हो तो वो उड़कर आपकी आँख में लगता है, तो वो चीज़ आपकी आई को डैमेज कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप सेफ्टी ग्लासेस का यूज़ करें जो आपके आईज को काफ़ी प्रोटेक्ट करेगा। ड्रिल वर्क हो गया है, केमिकल स्प्लैश हो गया, कोई भी केमिकल का वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन में सेफ्टी ग्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। फोर्थ आता है हेलमेट्स। सो गाइज, अब बात आती है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, जैसे कि हम बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते वक्त आपकी आँख में बॉल लग जाती है, तो ये बॉल लगना ऐसा नहीं है कि आपका बॉल लग गई और नॉर्मली ठीक हो जाएगा। ये बॉल लगना आपकी आँख को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, आपको ब्लाइंड भी कर सकता है। ये ट्रॉमा इतना खतरनाक होता है कि आपके आँख का पर्दा तक गिरा सकता है, तो उस कंडीशन में आप हेलमेट का यूज़ करें। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं या कोई भी ऐसे गेम्स खेल रहे हैं जिसमें आपकी आँख पर चोट लगने का रिस्क होता है, तो उस कंडीशन में आप हेलमेट का यूज़ करें, क्योंकि हेलमेट आपके फेस के साथ साथ आपकी आइज़ को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा, जिससे आपकी चोट लगने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं कि चोट ना लगे, क्योंकि आईज़ काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस होती हैं हमारे लिए, तो उसकी सेफ्टी भी हमारे ही हाथ में है। अगर आप उसकी सेफ्टी रखेंगे तो आप समझ सकते हैं अपने लाइफ की सेफ्टी कर रहे हैं। सो गाइस, फिफ्थ आता है ARC एंड ब्लू कट लेंसेज एंड गॉगल्स। सो गाइस, ARC एंड ब्लू कट लेंसेज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि आजकल डिजिटल वर्क है तो इसकी वजह से हमारी आइज़ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम ब्लू कट एंड ARC लेंसेज का यूज़ करेंगे तो हमारी आइज़ जो है वो प्रोटेक्ट रहेंगी कंप्यूटर स्क्रीन वर्क से, मोबाइल स्क्रीन से,
तो आप ARC और ब्लू कट लेंसेज का यूज़ करें जिससे आपके आइज को हार्म ना पहुँचे। एंड अगर आप बाहर जा जाते हैं तो UV प्रोटेक्टिव ग्लासेस का यूज़ करें जिससे आपकी UV रेज आपके आइज को हार्म ना करे, क्योंकि UV रेज आपकी आइज में कैटरेक्ट कर सकती है। एंड और काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो UV रेज आपकी आइज में कर सकती है। इसलिए गाइस ये 5 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी आइज की सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी आइज़ की सेफ्टी रख सकते हैं एंड आप अपनी आइज़ को अच्छे से बचा सकते हैं। बिकॉज काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं यहाँ पर कि जिनकी रोशनी चली जाती है, वो ध्यान नहीं देते हैं, कोई वेल्डिंग करते हुए अपनी आँख में कोई भी स्पार्कल चला जाता है जिससे कॉर्निया पर काफ़ी ज़्यादा हार्म हो जाता है और उनकी विज़न काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये हमारी आइज़ के लिए, हमारे फेस के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप ट्राई करें कि आप आई प्रोटेक्शन लें, फेस प्रोटेक्शन लें, शील्ड प्रोटेक्शन लें जिससे आपके आईज सेफ रहें, आपका फेस सेफ रहे। सो मेरी वीडियो को आपने देखा हो, लास्ट तक देखा हो आई होप। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।